Yes, hello students. Now see, we are completing two chapters of 12th standard. First one is matrices, second one is mathematical logic. हमने 12वीं के दो chapters complete किए हैं. पहला chapter है matrices और दूसरा chapter है mathematical logic. अब mathematical logic में applications जो part है, छोटा part है सबसे आखिरी में, वो हम एक तो ऑफलाइन जब होगा तब हम लेंगे, एक पीरियड का या एट द मोस्ट दो पीरियड का है, नहीं तो फिर करीब करीब थोड़ा लीडिंग अगर ये सिलेबस होता है तो उस वक्त बीच में हम एक दिन लेंगे. ठीक है, अब देखो तीसरा चैप्टर ये भी इंपॉर्टेंट है. थर्ड चैप्टर इज डिफरेंशिएशन, उसको हम डेरिवेटिव्स भी बोलते हैं. इज इट क्लियर? अब देखो इलेवेंथ में हमने इसकी प्रिलिमिनरी, इलेवेंथ में जितना भी चैप्टर है वो क्या हो गया, प्रिलिमिनरी ऑफ ट्वेल्थ स्टैंडर्ड जितना भी है हमने लिए थे, उसमें डेफिनेशंस लिए, बराबर है, डेफिनेशन लिए, कुछ एग्जांपल्स लिए, अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव्स लिए. इज इट क्लियर? अब देखो फिर से मैं डेफिनेशन फिर से रिवाइज करता हूं. डेफिनेशन इज लेट y इज इक्वल टू f ऑफ x बी ए फंक्शन ऑफ x, लेट y इज इक्वल टू f ऑफ x बी ए फंक्शन ऑफ x, देन डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन y विथ रिस्पेक्ट टू x, देन डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन y विथ रिस्पेक्ट टू x इज डिनोटेड बाय dy बाय dx एंड दिस इज इक्वल टू लिमिट ऑफ डेल्टा y अपॉन डेल्टा x एज डेल्टा x टेंड्स टू 0 एंड दिस इज इक्वल टू लिमिट एज डेल्टा x टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x अपॉन डेल्टा x. इज इट क्लियर? ये डेफिनेशन देखे थे हमने. नाउ इफ यू रिप्लेस डेल्टा x दैट इज स्मॉल चेंज इन x बाय सिंगल लेटर दैट इज h by single letter h, then the same definition will be limit as h tends to 0 of f of x plus h, we replace delta h by h minus f of x upon h. ठीक है, this is the second definition. First definition is dy by dx is equal to limit as delta x tends to 0 of f of x plus delta x minus f of x upon delta x. Or second definition is limit as h tends to 0 of f of x plus h minus f of x upon h. अब देखो थोड़ा रिकॉल करो ये सेकंड डेफिनेशन को क्या बताए थे हमने, क्या नाम दिए थे, डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल. इज इट क्लियर? कुछ एग्जांपल्स हमने फर्स्ट प्रिंसिपल के भी लिए थे, थोड़ा रिकॉल करो वो चैप्टर जो भी हमने लिए है 11th स्टैंडर्ड में, वो पूरा पढ़ने का है. उसमें फॉर्मूले दिए थे हमने, अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव्स दिए थे. इज इट क्लियर? या मैं थोड़ा रिवाइज करूंगा फॉर्मूले, अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव्स. द सेकंड डेफिनेशन इज आल्सो कॉल्ड एज डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल और सिंपली डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव. इज इट क्लियर? अगर ख्याल में हाँ, देखिए अभी स्टैंडर्ड फॉर्मूले ऑफ डेरिवेटिव्स, डेरिवेटिव्स के ये सब फॉर्मूले हमने 11th में लिए, वही फॉर्मूले 12th में भी हैं. डेरिवेटिव्स स्टैंडर्ड फॉर्मूले ऑफ डेरिवेटिव्स. नाउ फर्स्ट फॉर्मूला इज डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेस टू दी पावर एन, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेस टू दी पावर एन इज एन इंटू एक्स रेस टू दी पावर एन माइनस वन. डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेस टू दी पावर एन वेयर एन इज एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर. इसका डेरिवेटिव कैसे लिखते हैं, पावर सामने लिखते हैं और वेरिएबल का एक से पावर कम करते हैं. इज इट क्लियर? देन डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट के, ओनली कांस्टेंट इज देयर, देन इट्स डेरिवेटिव इज व्हाट, जीरो, वेयर के इज एनी कांस्टेंट. सो डेरिवेटिव ऑफ सिंपली कांस्टेंट, ओनली कांस्टेंट इज व्हाट, जीरो. देन थर्ड फॉर्मूला इज डेरिवेटिव ऑफ e रेज़ टू द पावर x, वेयर e इज एक्सपोनेंशियल फैक्टर, इट्स वैल्यू इज फिक्स्ड,
2.717282834 and so on. Derivative of e raised to the power x is same as e raised to the power x. Similarly, derivative of a raised to the power x, here a is also constant but its value is not fixed. That constant is called as arbitrary constant. देखो e constant है, a is a भी constant है कि e की value पता है अपने को. So this is the real number or simply constant and this a is arbitrary constant. So derivative of a raised to the power x is a raised to the power x into what? Log of a. Again here this constant a is positive. That is derivative of this function is possible only when a is positive. Is it clear? Then next one is derivative of d by dx of log x. We read this as derivative of log x with respect to x. Derivative of log x is 1 upon x. Okay? Then next formula is derivative of log of x to the base a. If the base is standard, then we cannot write or we cannot put the base. Standard base is e. अगर e है standard base तो हम लिखते नहीं, सिर्फ लिखते log of x. अगर standard base के अलावा अगर दूसरा base है तो फिर हम उसको mention करते हैं. So derivative of log x to the base a is equal to 1 upon x into log of a. 1 upon x into log of a. Again here a is positive. Because log of negative quantity is not possible, log of only positive quantity is possible, therefore this a is greater than 0. Is it clear? Then derivative of under root of x. Derivative of under root of x is 1 upon 2 root x. Derivative of under root of x is 1 upon 2 root x. And last one is derivative of 1 upon x. Derivative of 1 upon x is minus 1 upon x square. ये सब formulas आपको अच्छे से याद करना है. ये formulas हैं chapter के पहले इसलिए लिए कि पूरा chapter ये formulas के ऊपर depend है. Formulas नहीं आए तो हम कोई भी example solve नहीं कर सकते. Is it clear? देखिए भी. Next is algebra of derivatives. Algebra means basic operations, addition, subtraction, multiplication and division. These basic operations of algebra, these basic operations are called as algebra. ठीक है? अब देखो, first one is d by dx of u plus minus v. If a function is a combination of two functions or two or more functions, then by finding the derivative of that function, first we separate them and then we find its derivatives. So this is derivative of first function plus minus derivative of second function. Is it clear? Then second one is d by dx of k times u, where k is any constant. So if any constant is attached with any function, if any constant is attached with any function, then by finding its derivative, first we take out this constant outside the derivative, k into du by dx, where k is any constant. Constant अगर एक आधे function के साथ attached है और उसका derivative अगर निकालना है तो constant हम पहले बाहर निकालते हैं और जो function का derivative है निकालना है उसका derivative निकालना है. ठीक है? देख थर्ड वन इज d by dx of c1 into u plus minus c2 into v, where c1 and c2 are constants. यहां देखिए अभी derivative of first function plus minus derivative of second function. दोनों function के साथ constant attached है, तो क्या करते हैं हम constant पहले बाहर निकालते हैं और बाद में फिर derivative निकालते हैं. c1 into du by dx plus minus c2 into dv by dx. कांस्टेंट बाहर निकाल के फंक्शन का डेरिवेटिव निकालते हैं c1 into du by dx plus minus c2 into dv by dx, where c1 and c2 are constants. Is it clear?
Then, fourth one is product rule. If y is equal to u into v, it is a product of two functions. Then, dy by dx is equal to derivative of this function y with respect to x is first function into derivative of second plus second function into derivative of first. याने दो में से कोई भी एक फंक्शन बाहर निकाल के दूसरे का डेरिवेटिव निकालते हैं. फर्स्ट फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट. अब देखिए सिमिलरली इफ वी एक्सटेंड दिस प्रोडक्ट टू फॉर द फंक्शन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ थ्री फंक्शंस. अब इसका अगर डेरिवेटिव निकालना है तो कोई भी दो फंक्शंस बाहर निकाल के तीसरे का डेरिवेटिव निकालते हैं. यहां देखिए देन dy by dx इज इक्वल टू यू वी इनटू dw by dx प्लस uw इनटू dv by dx प्लस vw इनटू व्हाट dv by dx. यानी कोई भी दो फंक्शंस बाहर निकाल के तीसरे का डेरिवेटिव निकालने का दैट रूल इज कॉल्ड एज प्रोडक्ट. ठीक है. एंड लास्ट रूल इज क्वोशेंट रूल. इफ y इज इक्वल टू u अपॉन v सिंस इट इज अ क्वोशेंट ऑफ टू फंक्शंस वेयर डिनोमिनेटर फैक्टर इज नॉन जीरो देन dy by dx इज इक्वल टू डिनोमिनेटर इनटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इनटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर स्क्वायर. अगर घर में यहां देखिए देन dy by dx इज इक्वल टू डिनोमिनेटर इनटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इनटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर स्क्वायर. ये सब फॉर्मूलेस सब अलजेब्राज हमने 11th में लिए हैं, उसी को रिवाइज कर रहे हैं हम. इज इट क्लियर? हाँ. अब देखिए अभी सीएल अभी तक जितना भी लिए हमने ये सब 11 का पार्ट था. डेफिनेशन देन स्टैंडर्ड फॉर्मूले अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव्स. ठीक है, जितना भी पार्ट लिए हमने वो सब प्रिलिमिनरी पार्ट है. अब उसके आगे का जो पार्ट है ये अभी 12th में है. द फर्स्ट टॉपिक इज डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन. व्हाट इज मीन बाय कंपोजिट फंक्शन? Composite means it is a combination of two or more functions. It is a combination of two or more functions. Is it clear? That function is called as composite function. And that rule is called as chain rule. That rule is called as chain rule. Now see the chain rule. Yahan dekhiye abhi, if y is a derivable function of u, and u is a derivable function of x. Dono functions kaise hai? Derivatives. Derivable functions means derivatives of these functions are exist. If y is a derivative function of u, then derivative of this function y with respect to u, that is dy by du, is exist. Similarly, if u is a derivative function of x, that is derivative of function u with respect to x is exist. Then y is a derivable function of x, that is derivative of this function y with respect to x is exist. And dy by dx is the product of these two derivatives, that is dy by du into what? Du by dx. Now see this rule. If y is equal to f of u is a derivable function of u, because here y is a function of u, so derivative of this function y with respect to u is exist, and u is equal to g of x is a derivable function of x, that is derivative of this function u with respect to x is exist, that is du by dx is exist, then dy by dx is equal to dy by du into what? Du by dx. Is it clear? Ab dekhiye yaha, y is the derivative function of u and u is the derivative function of x. That is, y is a chain of two variables or two functions.
y is a chain of two variables and or two functions, then derivative of this function y with respect to x is given by dy by dx into what? Du by dx. देखिए अभी examples. Find dy by dx of the following functions or formulas. अब ये functions के derivative निकालना है. Now first example is y is equal to log of log x. अब सिर्फ log x नहीं है function, ये क्या है? Log of log x, that is this function is composite function. Yes, where this first function is the major function and this second function is the minor function. यहाँ देखिए भी, because this topic is important. ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है. हमेशा एक क्वेश्चन कंपोजिट फंक्शन पे आता है 3 मार्क के लिए. y इज इक्वल टू log x, वेयर दिस फंक्शन log x इज अवर माइनर फंक्शन. फर्स्ट वी रिड्यूस दिस फर्स्ट फंक्शन इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म बाय पुटिंग log of x इज इक्वल टू u. Some another function that is u, so that this function y becomes log of u. Is it clear? Yeah, we will say we put this log x is equal to u, so that this function y becomes log of u. So y is a function of u, and u is a function of what? X. Y is a function of u, and u is a function of x. So therefore, by chain rule, dy by dx is equal to dy by du into what? Du by dx. Is it clear? यहाँ देखें. First we put u is equal to log x, so that this function y becomes log of u. We rewrite this first function into standard form by putting. स्टैंडर्ड फॉर्म मीन्स जिसका डेरिवेटिव पता है अपने को, दैट फंक्शन इज कॉल्ड एज स्टैंडर्ड फॉर्म. सो वी रिड्यूस दिस फर्स्ट वी रिड्यूस दिस फंक्शन इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म बाय पुटिंग u इज इक्वल टू log, सो दैट दिस फंक्शन y बिकम्स log ऑफ u. अब देखो दोनों के डेरिवेटिव पता है अपने को, log x का डेरिवेटिव पता है, सिमिलरली log ऑफ u का डेरिवेटिव पता है. अगर फंक्शन का डेरिवेटिव पता नहीं तो फिर से हम उसको सब्स्टिट्यूट करते हैं सम अनदर न्यू फंक्शन एंड सो ऑन. अब देखिए y इज अ फंक्शन ऑफ u एंड u इज अ फंक्शन ऑफ व्हाट? x. सो इट इज अ चेन ऑफ टू वेरिएबल्स और टू फंक्शंस. देयरफॉर हियर वी राइट द फॉर्मूला बाय चेन रूल. बाय चेन रूल यहां रूल क्या होगा? dy by dx is equal to product of these two derivatives, that is dy by du into du by dx. Therefore by chain rule dy by dx is equal to dy by du into du by dx. Now call this an equation part. ये हो गया formality part, ये हो गया गिवन पार्ट. उसके बाद ये दोनों डेरिवेटिव्स निकालते हैं एंड देन वी पुट दिस डेरिवेटिव्स इन इक्वेशन 1, वी गेट dy by dx. ठीक है, अब देखो फर्स्ट डेरिवेटिव. नाउ dy by du इज इक्वल टू dy by du ऑफ y. नाउ y इज अ फंक्शन ऑफ u, y is a function of u and is given by log of u, and derivative of log of variable with respect to same variable is what? 1 upon u. Is it clear? d by du of log of u, d by dx of log x is 1 upon x. In the same way, d by du of log of u is what? 1 upon u. अब यहां u की value put करना है, but u is what? U is log x. Just putting this value, therefore this is equal to 1 upon u is log x. So dy by du is equal to 1 upon x.
ये सभी डेरिवेटिव्स इन टर्म्स ऑफ ओरिजिनल फंक्शन आना चाहिए, दैट इज ओरिजिनल वेरिएबल आना चाहिए, दैट इज इन टर्म्स ऑफ x आना चाहिए कल। ठीक है, अब ये हो गया पहला डेरिवेटिव dy / du, देन वी फाइंड du / dx, देन वी फाइंड du / dx एंड du / dx is equal to d by dx of u and u in terms of x, u in terms of x is given by log x and derivative of log x with respect to x is what, 1 upon x. Sabhi derivatives in terms of original variable, that is in terms of x are given. Ab ye dono derivatives equation 1 mein put karenge, therefore equation 1 becomes, therefore equation 1 becomes, equation 1 क्या है, ये दोनों derivatives का product है, दोनों derivatives का product लिखने का, that means what, dy by dx, so equation 1 becomes dy by dx is equal to product of these two derivatives 1 upon log x, ये हो गया first derivative, into second derivative क्या है, du by dx, that is 1 upon x, इस तरह से लिखे तो भी चलता है, या फिर उसको just simplify किया हमने, numerator में देखो 1 है, so this is 1 upon, इन दोनों को combine करेंगे हम, combine करते वक्त पहले variable लिखेंगे, बाद में function लिखेंगे, so this is x into log x, so derivative of log of log x is 1 upon x into log x. देखिए सेकंड एग्जांपल, y is equal to log of ax square plus bx plus c, यहां लीडिंग फंक्शन कौन सा है, दिस log फंक्शन, सो हियर वी रिड्यूस दिस log फंक्शन इन टर्म्स ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म बाय पुटिंग दिस कंप्लीट ब्रैकेट ax square plus bx plus c बाय सम अनदर फंक्शन दैट इज u, सो दैट दिस फंक्शन y बिकम्स log of u and u is a function of x and is given by a square plus bx plus c. So in this example we put u is equal to a square plus bx plus c. सभी composite function को standard form में आपने को reduce करना है, बराबर है, यहां देखिए first we put u is equal to a square plus bx plus c, ax square plus bx plus c, so then this function y becomes y is equal to log of u, so y is a function of u and u is a function of x, therefore by changing dy by dx is equal to dy by du into du by dx, is it clear, yahan sirf do hi functions hai, isliye चेंज रूम क्या होगा, dy by du into du by dx, कॉल दिस इक्वेशन 1, अब दोनों के डेरिवेटिव्स हमारे को सेपरेट निकालना है, सो dy by du is equal to dy by du of y and y in terms of u, y in terms of u is log of u, so derivative of log u with respect to u is 1 upon u, is it clear? अब यहां u की वैल्यू पुट करना है, u is ax square plus bx plus c, therefore this derivative becomes 1 upon u की वैल्यू है ax square plus bx plus c, ठीक है, ये हो गया फर्स्ट डेरिवेटिव, आ रहा है ख्याल में, आ रहा है, देखो पहले दो तीन एग्जांपल्स जल्दी ख्याल में नहीं आएंगे, जब तक हम खुद सवाल नहीं करेंगे तब तक ठीक है, ये हो गया dy by du, then we find du by dx, that is d by dx of u in terms of x is what, ax square plus bx plus c, अब यहां हम सेपरेट करेंगे, this is equal to derivative of first function plus derivative of second function plus derivative of third function,
अब पहले फंक्शन में a कांस्टेंट है उसको बाहर निकाले a इनटू d बाय dx ऑफ x स्क्वायर प्लस सेकंड फंक्शन में b कांस्टेंट है सो जस्ट टेकिंग आउटसाइड द डेरिवेटिव b इनटू d बाय dx ऑफ x प्लस डेरिवेटिव ऑफ थर्ड फंक्शन b बाय dx ऑफ कांस्टेंट c सेपरेट करने के बाद फिर हम डेरिवेटिव निकालते हैं सो दिस इज इक्वल टू a डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर विच इज ऑफ द टाइप x रेस टू द पावर n क्या करते हैं पावर सामने लिखते हैं और एक से पावर कम करते हैं सो दिस इज 2 इनटू x रेस टू द पावर 2 - 1 2 - 1 इज 1 एंड जनरली पावर 1 अगर आए तो हम लिखते नहीं सो डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर इज twice x प्लस b डेरिवेटिव ऑफ x इसका पावर कितना है 1 पावर हम सामने लिखते हैं और x से पावर कम करते हैं सो 1 - 1 इज 0 एंड एनीथिंग रेस टू द पावर 0 इज 1 सो डेरिवेटिव ऑफ x इज व्हाट 1 प्लस डेरिवेटिव ऑफ ओनली कांस्टेंट फैक्टर इज व्हाट 0 अब इसको सिंपलीफाई करो सो दिस इज twice x प्लस व्हाट d ये हो गया du बाय dx अब ये दोनों डेरिवेटिव्स इक्वेशन 1 में पुट करेंगे देयरफॉर इक्वेशन 1 बिकम्स इक्वेशन 1 डिवाइड बाय dx इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ दिस टू फंक्शंस सो दिस इज 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस bx प्लस c ये हो गया डिवाइड बाय du इनटू du by dx that is what twice x plus b ठीक है अब ये फैक्टर हम न्यूमरेटर में लिख सकते हैं इसको अगर सिंपलीफाई के लिए आएगा twice x plus b upon denominator is x square plus bx plus c that is our dy by dx आगे ख्याल में ठीक है हाँ देखिए थर्ड एग्जांपल y is equal to log of log x. It is a combination of three functions or three variables, where the first leading operator, first leading function is first log function. Then second function is the second log function, and third function is this third log function. Is it clear? अगर घर में अब यह वी रिड्यूस दिस फर्स्ट फंक्शन दिस फर्स्ट मेजर फंक्शन इन टू स्टैंडर्ड फॉर्म बाय पुटिंग दिस कंप्लीट फैक्टर इज इक्वल टू वी अगर घर में हल्क में आ रहा है थोड़ा कॉन्सेंट्रेट अच्छे से करो पहला जो लीडिंग फंक्शन है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है उसके साथ में जो भी फंक्शन है उसके लिए हम क्या पुट कर रहे हैं u पुट कर रहे हैं उसके बाद ये u फंक्शन देखो u इज log ऑफ log x अगेन इट इज ए कंपोजिट फंक्शन अगेन वी रिड्यूस दिस u इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म बाय पुटिंग दिस फैक्टर इज इक्वल टू v सो दैट दिस फंक्शन u बिकम्स log ऑफ v इज इट क्लियर We are reducing this log function into standard form by putting v is equal to log x. So that this u becomes log of v. And again see here v is log x. So sabhi functions kya ho gaye standard form mein aa gaye. We are reducing all the functions into standard form. Sabhi function ko standard form mein reduce karna hai. Agar composite function hai to uske liye dusra function put karte hain. बराबर याद देखिए फर्स्ट वी पुट u इज इक्वल टू log ऑफ log x सो दैट दिस फंक्शन y बिकम्स log ऑफ u देन वी पुट v इज इक्वल टू log x सो दैट दिस फंक्शन u बिकम्स log ऑफ v याद देखिए फर्स्ट वी पुट u इज इक्वल टू log ऑफ log x
so that this function y becomes log of u. अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया, इसका डेरिवेटिव हम निकाल सकते हैं। अब देखो ये फंक्शन कंपोजिट फंक्शन है, सो अगेन इसके लिए हम दूसरा फंक्शन पुट करेंगे, सो अगेन अगेन वी पुट v इज इक्वल टू log x, सो दैट दिस फंक्शन u बिकम्स log ऑफ log x के लिए क्या पुट किया हमने v पुट के, सो u बिकम्स log ऑफ v, देयरफॉर दिस फंक्शन u बिकम्स log ऑफ v, सो आई कैन सी हियर वी आर रिड्यूसिंग दिस फंक्शन इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म। अब v देखो v भी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, उसका डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। सो सी y इज अ फंक्शन ऑफ u, y इज अ फंक्शन ऑफ u, u is a function of v and v is a function of x and v is a function of x. So this function y is a chain of three variables or three functions. इसमें कुछ functions है और कुछ variables है, x is variable whereas u and v are the functions. So y is a combination of three functions or three variables. Then, chain rule कैसे होगा, dy by dx is equal to dy by du into du by dv into dv by dx. Is it clear? So, by chain rule, therefore by chain rule, dy by dx is equal to dy by du into du by dv into dv by dx. अगर मैं सभी फंक्शंस के लिए सभी प्रॉब्लम्स के लिए चेन रूल अलग अलग हुआ, सभी फंक्शंस के लिए सभी प्रॉब्लम्स के लिए चेन रूल अलग अलग हुआ, चेन रूल दिस इज द डेफिनेशन, दिस इज द फॉर्मूला, दिस इज द फॉर्मेलिटी पार्ट, इसके लिए एक मार्क। ये जो सब्स्टिट्यूट्स किए हमने, सब्स्टिट्यूशन के लिए एक मार्क, ये होंगे दो मार्क्स, और डायरेक्ट रिजल्ट के लिए एक मार्क। इसलिए अब देखो ये सभी डेरिवेटिव्स हम निकालेंगे फॉर दिस इक्वेशन वन। देन द फर्स्ट डेरिवेटिव इज नाउ dy by du, dy by du is equal to d by du of y and y in terms of u is what log of u and derivative of log u with respect to u is 1 upon u, बराबर है। अब सभी derivatives हमारे को in terms of original variable यानी x के form में लाना है, so what is u is, u is log of log x, so this is 1 upon log of log x, so ये हो गया अपना पहला डेरिवेटिव dy by d। सिमिलरली du by dx, sorry du by dv is equal to d by dv of u and u in terms of v is what log of v, u in terms of v is log of v and derivative of log v with respect to v, derivative of log v with respect to v, दोनों वेरिएबल सेम है, सो उसका डेरिवेटिव क्या होगा 1 upon v and v in terms of x is 1 upon log x, v क्या है, v is equal to log x, so v की वैल्यू पुट की हमने, सभी डेरिवेटिव्स इन टर्म्स ऑफ एक्स में आना चाहिए। देन थर्ड वन इज डीवी बाय डीएक्स, डीवी बाय डीएक्स इज इक्वल टू डी बाय डीएक्स ऑफ वी एंड वी इन टर्म्स ऑफ एक्स इज व्हाट लॉग एक्स, वी इन टर्म्स ऑफ एक्स इज लॉग एक्स एंड डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज व्हाट वन। तीनों डेरिवेटिव्स निकाले हमने,
अब तीनों डेरिवेटिव्स का प्रोडक्ट हमारे को इक्वेशन या तीनों वैल्यूज हमारे को इक्वेशन वन में पुट करना है। इक्वेशन वन क्या है, तीनों का प्रोडक्ट है। अब देखो ये प्रोडक्ट में डायरेक्ट हम ये वैल्यू लिखेंगे, न्यूमरेटर क्या है वन है, तो तीनों का कॉम्बिनेशन किए हमने तो न्यूमरेटर वन रहेगा। उसके बाद वेरिएबल फैक्टर पहले लिखेंगे, बाद में लॉग एक्स लिखेंगे, बाद में लॉग ऑफ लॉग एक्स। देयरफॉर इक्वेशन वन बिकम्स, देयरफॉर इक्वेशन वन बिकम्स dy by dx is equal to 1 upon x into log x into log of log x, x into log x into log of log x, this is the derivative of this given function। देखिए अभी फोर्थ एग्जाम्पल, y is equal to 5x cube minus 4x square minus 8x, complete this bracket raised to the power what 9। ठीक है, अब देखो we reduce this given function into standard form by putting this complete factor is equal to u, by putting this complete factor is equal to u, so that this function y becomes u raised to the power 9। अब u raised to the power 9 का डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। उसके बाद u is a function of x, इसका भी डेरिवेटिव निकाल सकते हैं, because it is a combination of three functions। ठीक है, अब देखिए तो u is equal to 5x cube minus 4x square minus 8x, so that this function y becomes y is equal to क्या होगा u raised to the power 9। अब इसका डेरिवेटिव निकाल सकते हैं, सिमिलरली u का भी डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। दैट इज y is a function of u and u is a function of x, so y is a chain of two variables or two functions। So, यहां चेन रूल क्या होगा, dy by dx is equal to dy by du into du by dx। Therefore, by chain rule, dy by dx is equal to dy by du into du by dx, into du by dx, call this an equation one। दोनों डेरिवेटिव्स हम सेपरेट निकालेंगे, बाद में इक्वेशन वन में पुट करेंगे। दोनों डेरिवेटिव्स का क्या करना है, आपको तो प्रोडक्ट करना है, उसको सिंप्लीफाई नहीं किए तो भी चलता है, क्योंकि हमारे को सिर्फ dy by dx निकालना है, नॉट द सिंप्लीफिकेशन निकालना। अब देखिए नाउ dy by du is equal to d by du of y, and y in terms of u is u raised to the power 9, and derivative of u raised to the power 9 is power हम सामने लिखते हैं और वेरिएबल का x से पावर क्या करते हैं, हम कम करते हैं, so 9 minus 1 that is 8, so derivative of u raised to the power 9 is what 9 into u raised to the power 8। ये derivative हमने 11th standard में हमने देखे थे, बराबर है। उसके बाद यहाँ u की value put करेंगे, therefore this is 9 into what is u, u is 5x cube minus 4x square minus 8x raised to the power 8, 5x cube minus 4x square minus 8x raised to the power what 8, ये हो गया पहला डेरिवेटिव। बाद में du by dx निकालना है, एंड du by dx
is equal to d by dx of u, and here u is 5x cube minus 4x square minus 8x. Okay. Now it is a combination of three functions. तो हम पहले सेपरेट करेंगे हम. सेपरेट करते वक्त जो भी कांस्टेंट फैक्टर अटैच है वेरिएबल के साथ उसको क्या करते हैं हम बाहर निकालते हैं. सो दिस इज 5 इनटू डी बाय dx ऑफ x क्यूब माइनस 4 इनटू डी बाय dx ऑफ x स्क्वायर देन माइनस 8 इनटू डेरिवेटिव ऑफ x. ठीक है, सेपरेट किए हमने, बाद में डेरिवेटिव निकालो. सो दिस इज 5 इनटू डेरिवेटिव ऑफ x क्यूब इज व्हाट 3x स्क्वायर देन माइनस 4 इनटू डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर इज 5x देन माइनस 8 इनटू डेरिवेटिव ऑफ x डेरिवेटिव ऑफ x इज व्हाट 1. ठीक है, अब बाद में फिर से इसको सिंप्लीफाई करो. दिस इज इक्वल टू 15x स्क्वायर माइनस 8x माइनस व्हाट ये हो गया du बाय dx. आपके दोनों वैल्यूज इक्वेशन 1 में पुट करना है. पुटिंग दिस वैल्यूज इन इक्वेशन 1 देयरफॉर इक्वेशन 1 बिकम्स dy by dx is equal to दोनों फैक्टर्स को ब्रैकेट में लिखेंगे हम. पहला फैक्टर है 9 into दिस इज 5x cube 5x cube माइनस 4x square माइनस 4x square माइनस 8x raised to the power 8 ये हो गया dy by du into du by dx into 15x square 15x square minus 8x minus 8x minus 8 ये हो गया du by dx. इसको फिर से सिंप्लीफाई करना नहीं है. ये हो गया अपना dy by dx. अगर ख्याल में थोड़ा थोड़ा 20% भी ख्याल में आ गया तो सफिशिएंट है. उसके बाद एक इंपॉर्टेंट बात, जैसे ये अभी वीडियो चल आ रहे हैं आपके तरफ, सब ऑनलाइन चालू है अभी. ठीक है, अभी कब तक रहेगा ये पता नहीं, बराबर है, कब तक रहेगा ये ऑनलाइन पता नहीं, ऑफलाइन कब आएगा ये भी पता नहीं अपने को, बराबर है. उसके बाद हम क्या करते घर में, सिर्फ वीडियो देखते एक बार दो बार और उसको छोड़ देते हैं. ये कॉमन प्रॉब्लम है. वीडियो देखने के बाद आपको ये सब मटेरियल आपको कॉपी में लिखना है, सब मटेरियल कॉपी में लिखना है, क्योंकि 15 दिन के बाद या 20 दिन के बाद ये जो वीडियोस है ये करप्ट हो जाएंगे. बाद में फिर मैसेज आते, सर ये वीडियो हमारे को भेजो, बराबर है, सर डेरिवेटिव का पहला वीडियो भेजो, दूसरा वीडियो भेजो, या मैट्रिक्स चैप्टर का वीडियो भेजो. अब आपको ये सब वीडियो सब लेक्चर्स आपको लिखना है, कॉपी में लिखना है. जितना भी मैं होमवर्क दूंगा आपको, होमवर्क आपको कंप्लीट करना है. ठीक है, आपको ये ऑनलाइन में, ऑनलाइन क्लासेस में मैक्सिमम वर्क आपको ही करना है, मैक्सिमम वर्क आपको ही करना है. डिफिकल्टीज अगर आती है तो आप व्हाट्सएप थ्रू डिफिकल्टीज भेजो. आप डिफिकल्टीज आप हम तुरंत आपको रेक्टिफाई करेंगे, लेकिन मैक्सिमम वर्क आपको करना है घर में, कॉपी में लिखना है, उसको एक बार दो बार तीन बार आपको अच्छे से पढ़ना है. उसके बाद जितना भी होमवर्क मिलेगा आपको वो होमवर्क कंप्लीट करना है. ठीक है, अब नेक्स्ट पीरियड में हम इसकी बात आगे का देखेंगे.